जानना बहुत जरूरी है कि ये क्या बीमारी है, क्यों हुई। यस सर, इसका इतिहास हम सबको पता है, चाइना से शुरू हुआ था, स्टार्टेड फ्रॉम चाइना, दिसंबर की बात है, दिसंबर वगैरह में हुआ था और वुहान प्रांत से ये शुरू हुआ था। और वुहान प्रांत में भी जब ये लोगों ने देखा कि बराबर एक किस्म का निमोनिया जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखते देखते पता चला कि वहां पे कुछ जो इनकी एनिमल मार्केट है, जहाँ पे ये हर तरह के जानवर, जैसे जो हम सोचते भी नहीं है, सांप, चमगादड़ और ये रैबिट, फिश, चिकन, तो एक नॉर्मल सी बात है। तो ये वहां से ये सबसे पहले स्प्रेड हुआ है ये वायरस, और धीरे धीरे इसने वुहान शहर को अपनी पूरी गिरफ्त में ले लिया। लोग धीरे धीरे इसमें बहुत ज्यादा मॉर्टेलिटी होने लगी, लॉट ऑफ मॉर्टेलिटी, एंड पीपल फाउंड आउट कि ये हो क्या रहा है। दिस वाज अ ट्रीटमेंट व्हिच वाज नॉट रिस्पोंडिंग टू एनी ट्रीटमेंट, ये ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं हो रहा था। तो धीरे धीरे उन्होंने ट्रेस किया, ट्रेस करके फाइंड किया कि ये बीमारी जो है, जो ओरिजिनेट हो रही है, ये एक वुहान शहर के बराबर में एक प्रोविंस है, जहाँ पे एक मार्केट थी, एनिमल मार्केट थी, जहाँ पे लोग जाके हर तरह के एनिमल्स वगैरह खाते थे। फ्रॉम देयर दिस डिजीज स्प्रेड, वहां से बीमारी बड़ी है और धीरे 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 हर जगह फैल गई, थाईलैंड, यूरोप, इटली, अमेरिका, पूरा फ्रांस, यूएसए होके धीरे धीरे वो हमारे देश में भी आ गई और काफी अच्छे खासे नंबर पे चल रही है ये। ठीक है, तो ये तो हो गया इस बीमारी के इतिहास के बारे में। अब थोड़ा सा हम ये जानते हैं कि है क्या ये बीमारी, क्या ये एक वायरल बीमारी, कोरोना इज अ वायरल इलनेस, और ये शरीर में सिम्टम्स पैदा करती है, जैसे निमोनिया जैसे सिम्टम पैदा करती है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ये वायरल बीमारी है और वायरल बीमारी आमतौर पे ज्यादा डेंजरस होती ही है। तो अब ये जैसे शुरू में जो था, हम देख रहे थे कि इंडिया में कैसे आएगा, तो हमने इसको देखा स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, क्या होता है। स्टेज वन में क्या था, जनरली शुरू में जब ये आया तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों में आ रहा था जो विदेश से आ रहे थे, जो कोई यूरोप से आया, अमेरिका से आया। तो आपने देखा होगा कि हम एयरपोर्ट पे स्क्रीन करते थे कि आपको क्या तकलीफ है, क्या नहीं है, बुखार है नहीं है, देवर ऑल स्क्रीन, बिकॉज पहला जो हमारे पास जो आया वो जनरली उन्हीं लोगों में आया जो बाहर से आ रहे हैं। मेन चीज जो हो गई, बाहर से आने लगे उन पेशेंट्स पे बहुत पा रहा था। फिर जो स्टेज टू में आए, उनमें देखा कि जो लोग जो बाहर से आए हैं उनके कॉन्टेक्ट में जो आ रहे हैं उन पेशेंट्स पे भी पाने लगा। हमने उनको स्क्रीन करना शुरू किया, हम उनसे भी पूछते हैं भाई आप बाहर से आए हो, बाहर से नहीं आए तो भारत में आने वाले किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कॉन्टेक्ट में आए हो। तो धीरे धीरे वो जो उनके कॉन्टेक्ट में आए, फिर वो आए, इस तरीके से ये लोगों में ट्रेस करने लगा, वी कुड ट्रेस कि ये बीमारी क्या है। स्टेज वन ओनली फॉरेन ट्रेवलर, स्टेज टू कॉन्टेक्ट, स्टेज थ्री इज अ रिस्की सिचुएशन, जहां हमें पता ही नहीं चलता कि ये कहां से आया, हमें पता ही नहीं, हम सोर्स ही नहीं जमा करवा सकते कि ये है क्या, रे कहां से आया, तो वो थोड़ी रिस्की सिचुएशन है। अभी आईसीएमआर के हिसाब से तो अभी ऐसा कुछ ज्यादा हमें लग नहीं रहा है कि हम बिल्कुल ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हम ट्रेस नहीं कर पाए, बट एनी हाउ वी आर इन टू द स्टेज, जहां हम स्टेज वन, स्टेज टू में जो लोग जहाँ से बाहर से लोग आए, अब लोग कहते हैं भैया बाहर से लोग आए तो ज्यादातर ये बीमारी शहरों में ही होनी चाहिए, शुरू में हमारे पहले के केरला में आए, केरला में बहुत लोग मिडिल ईस्ट से आते थे, तो उनकी कहानी जो थी वो बनती थी, वो उनके साथ कॉन्टेक्ट में आते आते बहुत लोगों को होने लगा। और शुरू में शहरों में था, फिर हमने देखा कि और उनके भी होने लगा जो लोग जैसे संपर्क में आते रहे। तो ये इसकी एक मैंने पहले आपको हिस्ट्री बताई कैसे आया, हमारे देश में कैसे आया, अब ये बीमारी आ गई तो बीमारी क्या है, इसके क्या लक्षण है, ये जानना बड़ा जरूरी है। आगे ट्रीटमेंट करेंगे हम उसके बाद। सबसे पहले जब ये इलनेस आ गई तो इलनेस के सिम्टम्स क्या है हमें जानने चाहिए। सिम्टम्स, व्हाट आर द सिम्टम्स, सिम्टम्स इसके है नॉर्मली शुरू होगा एक हल्के सी गला खांसी जुकाम करके, बस
पता ही नहीं चलता। आदमी कहता है मैं तो ठीक हूँ, थोड़ा गले में खिचकिच है, हो जाता है, कई बार ही हो गया, कुछ पता नहीं रहता। दूसरे तीसरे दिन पेशेंट के गले में दर्द कुछ बढ़ जाता है, लेकिन वो फिर भी ठीक रहता है, उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, एक्सेप्ट कि हाँ मेरा गला जो है वो पहले से ज्यादा पेशेंट को धीरे धीरे वीकनेस आने लगती है। चौथे पांचवें दिन उसका थोड़ा बुखार बढ़ने लगता है, बुखार आ जाता है। कुछ लोगों की किसी भी स्टेज पे ठीक हो सकती है, कुछ लोग बिल्कुल गले में ही होके ठीक हो जाते, लेकिन उसमें जैसे प्रोग्रेस कर रही है उनमें बुखार बढ़ेगा, फिर पहले बाद बुखार तेज हुआ, खांसी आने लगी। कमी खांसी नहीं होगी, वीकनेस बहुत आ जाएगी, तो अगर डायरिया होगा तो डायरिया होने लगेगा, खांसी के होने लगी, ये चौथे पांचवें दिन पे हो जाता है। आठवें दिन तक तो पेशेंट को कर बहुत आने लगते हैं, जाड़ा लगता है, कंडीशन वर्सन कर जाती है, बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है। उसमें जो बंदा चल फिर आता है, तो उसको लगता है मेरे से तो इतना चला गुजार नहीं जा रहा, और सांस फूलने लगता है। ऐसे पेशेंट को हमें एडमिट कर लेना चाहिए, जल्दी एडमिट कर लेना चाहिए बल्कि, और फिर ट्रीटमेंट करना चाहिए। कुछ लोगों का इससे आगे प्रोग्रेस करता है, मैं पूरा कोर्स बताना चाहता हूँ। ये बीमारी किसी भी स्टेज पे अपने आप खत्म हो सकती है, किसी के गले पे खत्म हो सकती है, किसी के हल्के सांस काम पे लेके खत्म हो सकती है। तो सांस की तकलीफ सांस लगा वो कंडीशन जो है क्या इन्वेस्टिगेशन करना है, जैसे चेस्ट एक्सरे हो गया या एक्सरे सांस की स्कैन हो, अब ये देखते हैं कि उसमें कोई निमोनिया के जैसे धब्बे वगैरह तो नहीं है, किस किस्म के हैं। पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना हो रहा है, वो धीरे धीरे उसको ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होने लगता है, और ऐसे पेशेंट को एडमिट करना पड़ जाता है। पेशेंट को भी एडमिट करना पड़ता है, अंदर ही अंदर जो सेप्टिक भर गया, तो मल्टीपल ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है, हार्ट किडनी वगैरह, मल्टीपल ऑर्गन लेट स्टेज में ऐसा हो जाता है, इन्वॉल्व करने लगता है, बढ़ जा रहा है, वायरिमिया बढ़े जा रहा है, लेट इफेक्ट और अदर ऑर्गन। और हम देखते हैं कि कुछ कई बार कुछ पेशेंट में जो है शॉर्टिंग प्रॉपर नहीं होने की वजह से भी जाती है, और वो हमारे जकड़ देते हैं, और वो किस्म का निमोनिया साथ जो है वो कॉन्वर्ट करते हैं। तो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। अभी एक्सी में इसको कोई फाइनल ट्रीटमेंट नहीं आया है, कुछ नहीं आया है, कोई वैक्सीन नहीं बनी है, ये हम सिर्फ बता रहे हैं कि क्या हो सकता है। ज्यादा पेशेंट को आईसीयू में वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि वेंटिलेटर वाला पेशेंट ठीक नहीं होता, ठीक हो जाता है। जैसे मैंने बताया ज्यादातर पेशेंट खांसी जुकाम के रह गए या उसकी सेहत ठीक से भी रह गए तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। कुछ पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, वो भी ठीक हो जाते हैं। हमें ये देखना है कि बीमारी कितने लोगों को अफेक्ट करती है। हेलो हेलो सर, हम लोग सुन रहे हैं आपको। यस सर, सुन रहे सर। तो ठीक है, तो ये देखना कि कितने लोगों में प्रॉब्लम सीरियस बन जाती है। अगर हम ध्यान से देखें जो हमारे पास फिगर्स आ रही हैं, तो ज्यादातर 97-98% हमारा रिकवर कर रहा है। अलग अलग स्टेज में अलग अलग स्टेज में अलग अलग मोर्टेलिटी है। दिल्ली में 1.5% है, महाराष्ट्र में थोड़ी ज्यादा है, गुजरात में ज्यादा है, तो अलग अलग स्टेज में है, बट ओवरऑल देखा जाए तो इसका 3-4% के करीब मोर्टेलिटी है। इसका मतलब अच्छी बात यह है कि इससे 95-97% ठीक हो रहे हैं पेशेंट, तो इसलिए हमें ज्यादा घबराने का नहीं है। हमें जरूरी है टाइम से बीमारी को समझना, टाइम से इलाज लेना, और उसके आगे इलाज में बता दूं, उसका कोई इलाज ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है। बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं,
लेकिन इलाज नहीं हो इसका संभव। अब देखिए बीमारी फैलती कैसे है ये भी बहुत जरूरी है। तो हम किसी के संपर्क में आते हैं और मान लो तो कोरोना जैसे संक्रमण है, खांसी है, तो जब वो खांसता है या छींकता है तो जो वायरस है वो जाके 1.5 फुट 2 फुट 2.5 फुट तक दूर तक गिर सकता है। तो उस एरिया में जो भी चीजें हैं, मान लो कोई टेबल है, चेयर है, वो या तो डायरेक्ट आपको इन्फेक्ट कर सकता है या वो जो वायरस पार्टिकल आपका चेयर पे टेबल पे गिरता है, आप उसके टच करते हो, उससे आते हो, आप मुंह खुजाते हो, नाक खुजाते हो, तो ये वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये बड़ी जरूरी बात है। तो उसी पे आ रहे कि क्यों हमें मास्क पहनना है और क्यों क्वारंटाइन की जरूरत है और क्यों डिस्टेंस की जरूरत है। ज्यादातर तो हमें यही देखने को आ रहा है कि जो पेशेंट ने छींका गया तो 2 फुट 3 फुट तक वो गिर रहा है और वो सॉलिड सरफेस बड़ा पार्टिकल है तो कोई टेबल पे चेयर पे भी गिर रहा है। हाँ, ऐसे भी केसेस हैं कि जो एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, वायरस उसमें चला जाता है और उसी में टच जाता है, तो फिर वो जो एरोसोल्स बोलते हैं वो हवा में घूम रहे हैं। अब वो क्या वो इन्फेक्शन पैदा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनका ठीक से स्थापित नहीं हो पाया, लेकिन रिस्क बना हुआ है। जैसे बोलते हैं कि आप किसी ओटी में गए, किसी डॉक्टर के चैम्बर में गए, कोई खांसा जुकाम किया तो एरोसोल जनरेट हुआ, वो एरोसोल हवा में है, उससे चांसेस हैं। अभी उसका पूरा स्थापित ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा, लेकिन है। तो अब हमने ये देख लिया, सिम्टम्स भी देख लिए, अब ये समझते हैं हमें बचना कैसा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज इस बीमारी में बचना है। इलाज की आप ये है कि ना आज तक कोई वैक्सीन बनाए, ट्रायल्स हर जगह चल रही है, कहीं लिमिटेड सक्सेस मिली है। तो इस बीमारी के लिए सबसे पहले हमें जो बचना है वो ये है कि अपने को दूसरे से मान के चले कि दूसरे को इन्फेक्शन है, अपने को बचाना है, अपना मास्क पहनना। मास्क कई किस्म के मिल रहे हैं, 3-ply मास्क है, N95 मास्क है, लोगों को मास्क ही नहीं मिल रहे हैं तो उनमें भी क्या करना है। सबसे पहले जो भी 3-ply मास्क है, नॉर्मल सर्जिकल मास्क है, वो बहुत अच्छा है। अगर आपको ज्यादा टेंशन है डबल पहन लीजिए, बहुत लोग N95 मास्क आपको अच्छी प्रिकॉशन दे रहा है, अच्छी प्रोटेक्शन दे रहा है। आप सर्जिकल मास्क पहनिए, डबल करके पहन लीजिए, ज्यादा दिक्कत आ रही है। N95 मिल जाता है, N95 पहनिए, बट N95 हम जनरली हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ही रिजर्व कर रहे हैं। एक मीटर से ऊपर का डिस्टेंस बना के रखे, 6 फुट का डिस्टेंस बना के रखे, है कि वो वायरस जो है वो आप तक नहीं पहुंचेगा, भले ही वो कर जाए आदमी का इन्फेक्शन दे रहा हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हम मास्क पहनते हैं, इसलिए हम डिस्टेंस ले रहे हैं। ये चीज तो कंसेप्ट समझना चाहिए, बाय मास्क तो कैसा है वो भी पहनते हैं बता दिया। मास्क में आप जरा देखें, जो भी आप मास्क पहनते हैं मास्क टाइटली फिटिंग हो, बहुत लोगों को देखा मैंने मास्क नाक के नीचे है, किसी का थोड़ी के नीचे है, कोई बोलते वक्त उठा लेता है, कोई खाते वक्त उठा लेता है, वो सब चीज ठीक नहीं है। मास्क का मतलब है अनकम्फर्टेबल होते हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट कि मास्क से अनकम्फर्टेबल होएगा, बट इट हैज टू बी टाइटली फिटिंग। लूज फिटिंग आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं देता, इट इज अ वेल, कोई फायदा नहीं। और दूसरे को भी देखें, सपोज आप किसी को देखते हैं सामने वाले के, मैंने तो ठीक पहना, दूसरे वाले ने तो पहना ही नहीं, सामने वाले के मैंने तो ठीक पहना, तो उसको भी बताइए कि आपने मास्क ठीक नहीं पहना। कई बार और आप दूसरे को उल्टा हार्म कर रहे हो, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, दूसरे को भी करना है, थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता है वो होना भी चाहिए, वही एक इंडिकेशन है कि आपने मास्क जो है वो ठीक से पहन रखा है। अब आज मान लीजिए कि आप कोरोना पॉजिटिव हो गए, आप क्या करना है? जैसे मैंने बताया पेशेंट ठीक हो रहे हैं, जल्दी ठीक हो रहे हैं, मॉर्टेलिटी देख ही रहे हैं 3% 3.5%, उससे भी हम ये देखते हैं ज्यादातर 3-3.5% में वैसे लोग हैं जिनको कोई अंडरलाइन बीमारी है। अंडरलाइन कौन सी बीमारी? जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज,
अच्छा एचआईवी पॉजिटिव है, एड्स है, इस तरह के पेशेंट है जिनको कई बीमारी है, उनके चांसेस ऑफ मोर्टेलिटी ज्यादा है कोरोना वायरस का। आप एक तो आरोग्य सेतु हर किसी को डाउनलोड करना चाहिए, बजट में भी लगा दीजिए नजर सर, आपको पता रहेगा कि क्या आपके पास कितनी बीमारी है, किधर जा रहे हैं, वहाँ पे कितने उससे भी वैरायटी है, यानी कि कोई लक्षण ही नहीं है, एक इसमें लक्षण है, हल्के लक्षण है, तो एक एसिम्प्टोमेटिक हो गया, सिम्प्टोमेटिक माइल्ड लक्षण, फिर मॉडरेट और फिर सीवियर लक्षण। मॉडरेट सीवियर वालों को हॉस्पिटल में भरना है, भर्ती होना है। ये बात की अभी वैसे लोगों की गाइडलाइन टाइम टू टाइम रिवाइज हो रही है, ओनली फर्स्ट शिफ्ट लेकिन होम क्वारंटीन होने के लिए आशा वर्कर आता है वो देख लेता है क्या होम क्वारंटीन उसमें पॉसिबल है, और जो होम क्वारंटीन कर रहे हैं तो उसको केयर गिवर कौन है, वो उन सबका वो रिकॉर्ड बनाते हैं, वो आपके पास डेली कॉल करते हैं, आपसे सिम्टम्स पूछते हैं, कोई भी जैसे अगर सिम्टम बढ़ता है तो आपको आप हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाइए। इसी में भी हम देखते हैं एक क्वारंटीन है, होम क्वारंटीन है, हेल्थ केयर फैसिलिटी है, एंड देन हेल्थ डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है, जैसे दिल्ली में एलएनजेपी हॉस्पिटल है, पूरा का पूरा हॉस्पिटल जो है वो इस वक्त कोविड पेशेंट के लिए डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है, वो आपके वर्कर्स जो है आशा वर्कर्स है या कॉम्पिटिटिव वर्कर्स है वो सब कनेक्टेड होते हैं, वो देख लेते हैं किस पेशेंट को करना है, क्या होम क्वारंटीन पॉसिबल है, क्या आपके घर में ऐसी फैसिलिटीज है कि होम क्वारंटीन दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता तो आप की होम क्वारंटीन फैसिलिटी में जाइए, सब कुछ अरेंजमेंट है। अगर आपको कोई भी लक्षण आता है देखिए आप क्वारंटीन में है जी आज जो या जो भी आपको वर्कर का आपको फोन नंबर दे रखा है उसको बताइए, दवाइयाँ भी शुरू कर सकते हैं जो कि है बचाव की है, कोई कई बार नाम नाम सिक्योरिटी नहीं है लेकिन हाँ दी जा रही है, कहाँ तक ये बीमारी को रोकने में कामयाब है सक्षम है, ठीक है। तो हम उसके सिम्टम्स समझ चुके हैं, हमने ये भी देख लिया कि हम कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे को इन्फेक्शन ना दें, होम क्वारंटीन को लोग कर रहे हैं और जो केयर गिवर है उनका उन दोनों को अपना जो है बराबर संपर्क में रखना है, लोगों से आशा आरोग्य सेतु करें, सिम्टम अपने डाल दीजिए, आशा वर्कर से मिलिए, अगर कोई सिम्टम है तो सबसे आपको अलग से व्यवस्था करनी पड़े, तो ये सब बात की बात है। कहने का मतलब यह है कि हमें आज की तारीख में कोई घबराने की बात नहीं है, कोरोना पॉजिटिव भी हो जाए बहुत लोग घबरा जाते हैं, अब क्या होगा, दुनिया को पता चल जाएगा, एक किस्म का एक फ्लर है, एक मेंटेलिटी लोगों की ऐसी है कि भाई तो हमारा पता चल जाएगा, पूरा घर क्वारंटीन हो जाएगा, इस चीज से बिल्कुल मत डॉक्टर्स भी कह रहे हैं देखिए जो होगा आपके फायदे को होगा, आज आपके फायदे के लिए है, कोई क्या बोलता है वो भी लोगों को अपनी मेंटेलिटी अपना माइंडसेट चेंज करना है, आपके बहुत तरीके से लोग स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं पेशेंट को जो की ठीक नहीं है, ठीक है मैं हूँ पॉजिटिव हूँ मुझे जाना है मुझे इलाज लेना है या क्वारंटीन होना है घर में होना है या हमें जाना है, मैं ये क्वारंटीन की बता दूँ ये गाइडलाइन चेंज होती रहती है, आज कह सकते हैं घर में, कल को ये भी बोल सकते हैं कि नहीं आपको हॉस्पिटल में ही जाना है, तो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट क्वारंटीन आनी चाहिए, आपके पास आरोग्य सेतु है सबसे बड़ी चीज है, वो आपको इन सब चीजों के बारे में तो डोंट से कि भाई आप सबसे ने बोल दिया था कि ऐसा कुछ नहीं, आपकी ये गाइडलाइंस चेंज हो सकती है और ये क्वारंटीन पॉजिटिव पेशेंट में किसने करना है नहीं करना है ये बहुत सोच विचार करते हैं, अदरवाइज गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमी नहीं है, बहुत दिल्ली गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी दोनों अपना रोल बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, फैसिलिटी सब कम की है, आप शायद हरियाणा में तो ऑब्वियसली आप हरियाणा के भी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, खाना भी अच्छा मिलता है क्वारंटीन सेंटर में और सब कुछ अच्छा है, कोई घबराने का कुछ नहीं है, हमें बस कोऑपरेट करना है अथॉरिटीज के साथ,
तो आपको खत्म करना चाहूंगा, किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो प्रश्न कर सकता है। सर हमारे साथ अदर स्टेट से भी जुड़े हुए हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं जो राजस्थान में है, वेस्ट बंगाल में है, झारखंड में है, ये अलग अलग एरिया से हमने मोबिलाइज किया था, लोगों को लिंक शेयर किया था, और आपने जितनी भी बातें कही वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। और मैं अपने सारे पार्टिसिपेंट्स जिनको पूछना है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और अगर किसी की वॉइस क्लियर नहीं है तो वो चैट में बोलना चाहूंगा। अलग अलग स्टेज में इस वक्त अलग अलग गाइडलाइंस हैं, सबके प्रोटोकॉल अलग हैं, तो आपको जो भी मैं तो दिल्ली में बैठ के बोल रहा हूँ बता ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपने आप अपना आरोग्य, आपके लिए इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आरोग्य सेतु है, और वो आपको इन्फॉर्म रखेगा आपकी स्टेट की गाइडलाइंस के हिसाब से कैसे करना है क्या नहीं करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका इस वक्त एकमात्र सहारा आरोग्य सेतु ऐप है। अब कोई प्रश्न कर सकते हैं, मैं तो आई एम ओपन फॉर एनी क्वेश्चन। यस प्लीज सर, एक तो आपने बताया, कौन पूछ रहा है क्वेश्चन? हाँ सर, मैं पूछ रहा था, जैसे जनरली मिसकंसेप्शन है लोगों में कि भाई जो करेंसी नोट्स हैं उनसे भी हो जाता है, इस तरह का है तो नोट नहीं ले, या क्या ऐसा है कि नोट से भी हो सकता है? देखिए ये सब एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस वाली बात है, जो बोल रहे हैं आप अपने घर में अखबार भी मत लो, अखबार भी मत पढ़ो, धीरे 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 जैसे जैसे चीजें आती जा रही हैं, लोग बता रहे हैं ऐसा नहीं है, इतना नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप अवॉइड कर सकते हैं वेल एंड गुड। आपके पास भीम ऐप है, अगर आपके पास कोई और गूगल पे है, आप उसको यूज करें। ऐसा कोई डेफिनेट स्टेब्लिश नहीं हो रहा है, कोई ऐसा पेशेंट नहीं है कि इस बंदे ने किसी इंफेक्टेड पेशेंट का नोट पकड़ा और फिर उसको हो गया। दीज आर थ्योरेटिकली यस इट इज पॉसिबल, हो सकता है, और आप अपनी जितनी प्रिकॉशन ले सकते हो ले लो। गो फॉर डिजिटल पेमेंट, हम अभी एनकरेज डिजिटल पेमेंट, बट ऐसा ये सोचोगे कि आपको देखिए कि लोग, मैंने देखा है बहुत चीजें कर रहे हैं, किसी से नोट ले लिया फिर उसको सुखा दिया, गीला करके प्रेस कर दिया। आई थिंक वो हम थोड़ा ओवरकोट हो रहे हैं, अगर किसी को ऐसा लगता है कि ऐसा करना है तो कर ले। आप गाइडलाइंस में जाइए, गो टू द गाइडलाइन, ऐसा नहीं कह रहा कि नोट आपको पकड़ना नहीं है, इस तरह कह सकते हैं कि आपको नोट नहीं पकड़ना है। यस वी शुड हैव मैक्सिमम ऑफ डिजिटल गो, बट ऐसा कुछ नहीं, यू टेक योर सेफ्टी मेजर्स, नो डाउट अबाउट। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो, हाँ बोलिए आगे बोले। हेलो सर जी, मैडम बिकॉज आपने देख लिया, हेलो, हाँ बोलिए मैडम, बोलिए मैं सुन रहा हूँ। गुड आफ्टरनून सर, सर मैं बबीता बोल रही हूँ, भिवाड़ी राजस्थान से। सर मेरे पास मेरी मदर इन लॉ हैं जिनकी 70 प्लस एज है, और सर अभी वो अस्थमा के पेशेंट थी एक्चुअल में, तो उनको अभी जो मौसम था उनमें काफी उनको खांसी हो गई थी, कफ जो है, तो उनको साथ में बलगम वगैरह भी शिकायत थी, तो हमने मेडिसिन वगैरह भी दिलवाई, तो उनको एक महीना लग गया थोड़ा राहत आने में, अब थोड़ा ठीक है वो, तो थोड़ा सा हम लोगों को उनको बार बार हम पूछते थे कहीं चेस्ट में तो पेन नहीं है मम्मा, चेस्ट में तो नहीं है, मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मतलब हमें एक एज पेशेंट के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, थोड़ा सा मुझे इस बारे में बताइए। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, 70 इयर्स जितने भी हम, मैंने अभी जैसे बताया कि जो मोर्टेलिटी जो हम देख रहे हैं वो ज्यादातर ओल्ड एज पेशेंट जिनमें साथ में मॉर्बिडिटीज है, यानी कि एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एचआईवी, कैंसर, रीनल प्रॉब्लम्स, किडनी फेलियर्स जिसे बोलते हैं, और एस्थमा ऑल्सो। देखिए जनरली एस्थमा जिनको है उनको है, वी नो देम कि हाँ इसमें एस्थमा है, इसका सांस फूलता है, ठीक है ना, तो हमें पता है इस चीज का, लेकिन हमें अपनी तसल्ली के लिए करवा लेना चाहिए टेस्ट, बिकॉज आफ्टर ऑल ये भी तो एक वैसी ही बीमारी है ना। 99% आई एम श्योर कि मेरे पेशेंट को तो एस्थमा होता है, मेरी मम्मी है 70 साल की है, इनको आज का एस्थमा नहीं है, कई सालों से होता रहा है, हम दवाई देते हैं, कोई इनहेलर देते हैं, घर में नेबुलाइजर देते हैं, तो ये ठीक भी हो जाती है, ठीक है। अगर आपको ये सब पता है एंड आप उनकी बीमारी को समझते हो,
कि ये ऐसे होता है, तो आप अपना जो अगर लॉकडाउन में डॉक्टर के पास नहीं जा सकते लेकिन आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है तो आप अपना ट्रीटमेंट इनिशिएट तो कीजिए, आप अपना ट्रीटमेंट कीजिए। अगर आप इनहेलर्स ले रहे हैं, नेबुलाइजर्स ले रहे हैं, और अगर आप उनको देखते हैं कि उससे पेशेंट ठीक हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका पेशेंट 70 इयर्स है, चांसेस बहुत ज्यादा है, तो उसमें अगर एसोसिएटेड कोरोना है तो हमें देखिए इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट, ज्यादा कुछ नहीं है। हम नेजल और थर्ड ट्रैप लेते हैं, पीसीआर करते हैं और उसे पता चल जाता है। पर मैं दो तीन चीजें बताना चाहूंगा, व्हाट आर पॉजिटिव थिंग्स फॉर यू। 70 इयर्स ओल्ड की आपकी अगर मदर है, ठीक हो गई, बाहर जाती नहीं होगी, ज्यादा इंटरेक्शन उनका किसी से होता नहीं, नहीं होता। नहीं नहीं, घर में ही रहती है सर, में ही रहती है ना, तो दैट इज वन वेरी गुड सेफ्टी, एक तरीके से कुछ सेफ्टी फीचर ही है। अगर हमारा बंदा बाहर नहीं गया है और किसी से मिला जुला नहीं है, लॉकडाउन का फायदा क्या है? लॉकडाउन का यही तो फायदा है ना, हम एक दूसरे से ना मिले। अगर आपकी मदर है 15-20 दिन से किसी के पास नहीं गई है, लॉकडाउन में है, ना किसी से मिली, घर में बैठी है और प्रिकॉशन पूरी ले रही है, उनको खांसी सांस का हुआ है और आपको पता है कि यह शीज एस्थमेटिक और इनको होता है, तो एंड यू नो द ट्रीटमेंट ऑल्सो कि भाई मैं इनको देती हूँ ये नेबुलाइजर या इनहेलर, तो ठीक हो जाते हैं, तो आप पैनिक मत कीजिए, आप अपना ट्रीटमेंट चालू कीजिए। मोस्ट लाइकली शी विल रिस्पॉन्ड, शी विल रिस्पॉन्ड, वो ट्रीटमेंट से ठीक होंगे। अगर वो नहीं होते हैं तो यस, वो पर अपना टेस्ट करवाइए आप। हमें देखिए चीज को ये समझना है कि टाइम दे, अगर हमारा पेशेंट 1-2 दिन में ठीक हो रहा है तो ठीक है, अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि पेशेंट को अगर 5वें 6वें 7वें दिन खांसी आ गई, सांस भूल गए, तो हमें टेस्ट करवाना है। लेकिन एस्थमेटिक का हमें जनरली पता होता है, तो एक घर में ट्रीटमेंट, इफ यू नो द ट्रीटमेंट। हाँ, आप अगर आजकल डॉक्टर से अपने टेलीमेडिसिन से बात करें, उनसे संपर्क करें, जो भी आपके फैमिली फिजिशियन है या जनरल फिजिशियन है, कि ऐसे ऐसे हो रहा, तो ही विल गाइड यू डेफिनेटली, बट डोंट पैनिक। एस्थमा है तो प्रोबेबली एस्थमा ही होगा और उसी से ठीक होगा। टेस्ट ये भी रिक्वायर्ड, गो अहेड, गेट इट डन, नॉर्मल आ गया, वेल एंड गुड, जस्ट कैरी ऑन विद द थिंग। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। हेलो सर, मैं प्रतीक हूँ, प्रतीक पवन। सर मेरा सवाल ये है, जो न्यू बेबी है जिसका जैसे उम्र 1 महीना 2 महीना या 3 महीना या 6 महीना है, उन लोगों के लिए ये कोरोना किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, जो छोटे बच्चे एकदम, क्योंकि मेरा फैमिली में एक छोटी सी बच्ची है जिसका अभी उम्र 1.5 महीना है, और मेरा ब्रदर जो है वो हॉस्पिटल का स्टाफ है, तो उन लोगों को काम भी करना पड़ रहा है। आपके घर में कोई पॉजिटिव पेशेंट है? नहीं नहीं जी, पॉजिटिव पेशेंट नहीं है, लेकिन मेरा जो ब्रदर है वो हॉस्पिटल का स्टाफ है। अच्छा, हॉस्पिटल का स्टाफ। अच्छा, तो देखिए दो तीन, आपने ये सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है। 1.5 महीने का बच्चा है, देखिए ऐसा नहीं है कि ये किसी को एज को इफेक्ट नहीं कर सकता है, कर सकता है। हमने बहुत छोटे बच्चों में भी ये केसेस देखे हैं, हालांकि ये बहुत रेयर हैं, समझिए आप, ये चीजें बहुत रेयर हैं, ठीक है ना। अगर आपकी मदर नॉर्मली जो हम डिलीवरी करवा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में डिलीवरीज हो रही हैं, होम बेस तो हो ही नहीं रही है, तो ज्यादातर हॉस्पिटल मदर का एक टेस्ट कर ही रहे हैं, ठीक है ना, बिकॉज मदर एंड चाइल्ड आर ऑलमोस्ट इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। तो बच्चे का जो है, अगर मदर पॉजिटिव आ रही है देन इट तो हमें देखना पड़ेगा। अगर मदर पॉजिटिव नहीं है और बच्चे के साथ में किसी और का भी नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, जो As you go down in the lower age, generally speaking, कोई hard and fast rule नहीं है। As you go down into the lower age, chances कम हो रहे हैं। Young adults are doing well, ठीक है ना? Young adults का अभी बच्चा 1.5 महीने की बात नहीं करता, उसका तो immunity कम होगा। लेकिन जो young adults हैं, 15, 16, 20, 25 साल, they are doing very well. Why? Because they are in the pink of their health, good immunity. अगर किसी underlying disease नहीं, they are generally doing well. तो जैसे जैसे हम नीचे एज में जा रहे हैं, हम इसकी इंसिडेंसेस बहुत कम देख रहे हैं। आई विल नॉट से इट्स इम्पॉसिबल, पॉसिबल, बट चांसेस आर वेरी वेरी मिनिमल, वेरी मिनिमल। अगर जैसे आपके वाइफ का डिलीवरी होगा, अच्छा हाँ, आप कह रहे हैं आपका भाई वर्कर है, मैं रिकमेंड करूंगा भाई को बोले बच्चे को दूर से ही दे। ओके, आप अगर भाई हॉस्पिटल वर्कर हैं तो मैं उनसे जरूर रिकमेंड करूंगा कि वो बच्चे को ज्यादा नहीं अपने हाथ मिले। हाँ, घर में रहते हैं और सब कुछ अपनी प्रिकॉशन लेते हैं,
जरूर बच्चे को दूर से देखें, कोई अच्छा बात नहीं है, सेफ डिस्टेंस रख के देखें, कोई ऐसी बात नहीं है। आफ्टर ऑल जो भी हॉस्पिटल वर्कर्स हैं उनको हमें कोई ऐसा शन नहीं करना है, उनसे हमें कोई परहेज नहीं करना है। अगर हम अपना डिस्टेंस मेंटेन करें तो आपका भाई बेशक हॉस्पिटल वर्कर हो, एंड ऑब्वियसली आई एम श्योर कई सारे हॉस्पिटल वर्कर्स ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्टेड होते हैं निस्बत के एक जनरल पॉपुलेशन के, उनके पास ज्यादा चीजें हैं, उनके पास मास्क भी अच्छे हैं, उनके पास किसी हॉस्पिटल में ग्लव्स भी मिल रहे हैं, कुछ गाउन्स भी मिल रहे हैं, इनफैक्ट दे आर बेटर प्रोटेक्टेड। ओनली थिंग इज कि वो ऐसे एनवायरमेंट में जरूर है जहाँ पे कोविड होने का खतरा है, तो आप बच्चों को आप निश्चिंत रहें, मोस्टली कुछ ऐसा होगा नहीं, होना भी नहीं चाहिए। हालांकि डॉक्यूमेंटेड केसेस 48 दिन 40 दिन सब पर है। ओके सर, मेरा नेक्स्ट सवाल यह है कि जो हम लोग मास्क पहन रहे हैं वो कॉटन की है, कॉटन फैब्रिक की, और सिंगल लेयर का बना के हम लोग पहन रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है, सांस आता है अच्छी तरीके से, बहुत ज्यादा गैस क्रिएट नहीं होता अंदर, तो इसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है, लेकिन क्या ये सही है कि हम लोग सिंगल लेयर का मास्क पहने? मैं बता चुका हूँ आपको, देखिए आपने अगर मोदी जी का अगर आपने कभी स्पीच सुना हो तो उन्होंने बोला था कि देखिए हर आदमी मास्क नहीं खरीद सकता, जा नहीं सकता, गाँव में केमिस्ट भी नहीं है, दुकानें भी नहीं है, तो घर में जो बने हुए जो मास्क हैं वो अच्छे हैं, इफेक्टिव हैं, दे आर गुड, ठीक है। हाँ, उनको जैसे उन्होंने बताया था कि आप जैसे गमछा है उसको डबल लेयर ले लें तो अच्छा रहता है। सिंगल लेयर मास्क की फैब्रिक पे डिपेंड करेगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैंने कुछ देखी है औरतें लड़कियां देखी हैं सिर्फ चुन्नी से ढक के आ जाती हैं, उनका अंदर से मुंह नाक सभी दिखाई दे रहा है, वो इट्स नॉट मास्क अच्छा नहीं है। वो हमें ट्रिपल लेयर मास्क होना चाहिए हमारा, जो हम गमछे से बनाते हैं, मोटे कपड़े से बनाते हैं, रुमाल से बनाते हैं, दे आर गुड, दे आर प्रोटेक्टिव। दूसरा सवाल आया, अगर मास्क की इफेक्टिविटी देखनी है तो मास्क हैज टू बी अनकंफर्टेबल, इसको मान के चलो। अगर आपका मास्क लटक रहा है, थोड़ा ढीला हो रहा है, चलिए ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा ही है, लेकिन मास्क का मतलब ही यही है, अगर आपको प्रॉपर फिट करेगा वो थोड़ा सा आपको कान में भी काटेगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, इसलिए हम कहते हैं यू बेटर गेट यूज टू इट। इससे आप अब से देखिए, घर में अगर आप हैं तो आपको ज्यादा मास्क पहनना ही नहीं है, आपको बाहर जाना है, घर में आप तभी मास्क पहने की गई, कोई बीमार है या किसी को इस तरह के सिम्टम्स हैं और डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते, पहने तो बहुत अच्छा है, घर में भी पहने तो बहुत अच्छा है, तो मास्क कोई 24 घंटे तो आप पहनेंगे नहीं कि इतने अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। हम तो डॉक्टर्स हैं, हम तो क्लिनिक में भी बैठे हैं, हॉस्पिटल्स में भी जाना है, लगातार मास्क पड़ा होता है, मास्क उतारते हैं तो निशान बन जाता है, बट वी आर यूज टू इट, और उसका होना ही अच्छा है। दैट इज वन इंडिकेशन कि भाई मास्क जो है वो आपका पूरा बढ़िया से बंद है और वो इफेक्टिव है। ये लूज से मास्क बात करते वक्त उतार लिया, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुछ भी नहीं है, दे आर ऑफरिंग सम प्रिकॉशन, सम प्रोटेक्शन, लेकिन आप जितना अच्छा कर सके मोर दी बेटर। घर का मास्क बनाया जा सकता है, आप डबल लेयर का बना लीजिए, अच्छा मोटा कपड़ा हो तो ऐसे बना सकते हैं, कोई गमछा का मास्क बहुत अच्छा बनता है, मोदी जी ने बताया, खुद गमछा पहन के बैठते हैं मोदी जी, गमछा तो हर घर में मिल जाता है, उसको पहनिए आप, आपका मास्क बहुत अच्छा है, सुंदर लग रहा है मुझे, घर में ही बनाया लगता है, मैडम ने बनाया होगा। हेलो, हाँ जी, हेलो सर, मेरा एक, हाँ सर मैं, अच्छा पूछिए कौन सर, सैनिटाइजर से बेहतर है साबुन या फिर सैनिटाइजर? सारे लोग तो सैनिटाइजर यूज नहीं कर सकते, तो हम जो गांव में महिलाएं हैं जो, हाँ नहीं आप अब बोले, आप मुझे सवाल पूरा करें, जो गांव में महिलाएं हैं जो घरों में, यहाँ भी जो महिलाएं हैं जिनकी इनकम कम है, क्या वो साबुन से भी हाथ धोना उनके लिए सही है? एब्सोल्युटली सही है, साबुन तो नंबर, मैं पहले साबुन को ही बोलूंगा, साबुन से 20 सेकंड तक आप अपने हाथ 20 से 30 सेकंड तक अच्छे से साफ करें, उंगलियों के बीच में, ये जो उंगलियों का बीच है वह इस पे जरूर करें। साबुन इज इनफैक्ट, देखिए सैनिटाइजर हर किसी को कहाँ मिल सकता है, साबुन ही साबुन, अगर आप देखें तो हम कहते ही है कि सोप रिपीटेड, आप अपने हाथ जो है, अगर आप कोई काम कर रही हैं, महिलाएं काम कर रही हैं, बाहर जाना पड़ रहा है, कुछ चीज उठानी पड़ गई है, आप घर आए उसको बराबर अपने हाथ अपने धोते रहे, सोप इज वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसा नहीं है कि सैनिटाइजर ही इज एवरीथिंग, सोप इज इक्वली गुड, बार बार धोएं, लेकिन अच्छे लंबे टाइम तक धोएं, 20 से 30 सेकंड तक धोएं उसको, और कोई भी बाहर जाते हैं कुछ चीज छूते हैं तो तुरंत आके दोबारा धोएं, ये है। ठीक है,
थैंक यू सर। हेलो सर, हेलो, हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर, मैं कह रहा था जैसे हम लोग ऑफिस आ रहे हैं अभी, फिर घर जाते हैं शाम को, तो क्या क्या प्रिकॉशन बरतना चाहिए हमें घर जाते जाने के बाद? देखिए कुछ चीजें हैं जो की जा सकती हैं, थोड़ा सा टीडीएस है। जैसे अगर आप मान लीजिए, हम डॉक्टर्स, एज डॉक्टर्स हम लोग क्या करते हैं, मैं क्लिनिक जाता हूँ, ठीक है, मैं वापस आता हूँ, तो हम क्या करते हैं, हमने हम गाउन वाउन पहन के रखते हैं, सब कुछ है, कैप है, मास्क है, ग्लव्स है, सब कुछ है, लेकिन क्योंकि हमारा एक्सपोजर ज्यादा होता है, जब हम घर आते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हालांकि हम गाउन वाउन पहने होते हैं, हम अपना जो एंट्री से पहले घर में अपना जो भी कपड़ा है, पैंट है, शर्ट है, हम उसको निकाल देते हैं, घर में पहले इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि मैं इस टाइम पर आ रहा हूं, तो एक बकेट ऑफ वाटर, एक पानी की बकेट में, गर्म पानी में आप अपना वॉशिंग जो सोप है या कैसे भी है उस पर पाउडर डाल के रखिए, और तुरंत, क्योंकि अगर घर में आपके वृद्ध माँ बाप है या छोटे बच्चे हैं और आप चाहते हैं आपसे इन्फेक्शन ना हो, तो आप अपने पहले कपड़े बाहर जाके उनको धो लीजिए, ठीक है, आप अपने सॉक्स वगैरह भी, शूज भी आउट कर लीजिए, ठीक है, शूज को भी अपने आउट कर लीजिए और कपड़े बाहर एक बकेट में डाल दीजिए, ठीक है, फिर कोई टॉवल लपेट के, कोई लुंगी लपेट के आप अपने घर में जाएं, टेल योर मिसेस, पहले ही फोन से बता दीजिए मैं 10 मिनट में आ रहा हूं, एक स्टीम का इंतजाम करवा दें, ठीक है, घर आते ही आप स्टीम जरूर लें, हम जैसे डॉक्टर्स लोग करते हैं, हम आते हैं तो फिर पहले स्टीम लेते हैं, 10 मिनट स्टीम लेते हैं, वो बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद अपना मुंह गर्म पानी से खुला करते हैं, ठीक है, तो ये बड़ी बहुत जरूरी है, ये आप लोग भी कर सकते हैं, घर आए अपने कपड़े उतार दिए, जैसे जूते हैं, जूते को उल्टा किया, घर में उसमें थोड़ा सा छिड़काव करवा दिया, सैनिटाइजर का छिड़काव करवा दिया, कपड़े धो दिए, फिर कपड़ों को उनको बाहर ही सुखा दिया, और उसके बाद आप नहाने चले जाइए, आई थिंक दैट इज गुड एनफ, इतना प्रिकॉशन अच्छा रहेगा, इससे ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। हाँ, आप अपना कपड़े बाहर निकाल लीजिए, धोइए, गर्म पानी में डाल दीजिए, और घर में अंदर घुसते ही स्टीम और फिर गार्गल्स कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आपने आयुष मंत्रालय का भी आपने देखा होगा, उन्होंने बताया कि किस तरह कैसे काढ़ा पिया जा सकता है, गर्म चीजें, अपना गले को गर्म रखें, बहुत जरूरी। हेलो हेलो हेलो, आपको ठीक है, जब आप जी सर, दूसरा था मेरा, हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए, मदर है सर, आई थिंक 65 एज है उनकी, तो थोड़ा वो रोड पे बाहर जैसे टहलना, खाना खाना तो, और इस तरह से चली जाती है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है अभी, तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी रूफ है ना, रूफ ऐसा तो नहीं, कॉमन रूफ है, और इधर उधर से भी दूसरे फ्लैट के लोग भी आ जाते हैं या कहीं और से भी लोग आते हैं रूफ पे, ऐसा तो नहीं, रूफ पे तो नहीं जाती है, वो जैसे बाहर गली है रोड पे उस पे चली जाती है। देखिए अगर गली में भी जाना है ना, पहली बात तो 65 की एज है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है, आई विल नॉट रिकमेंड कि 65 इयर्स सबसे बहुत जरूरी है, 60 साल के जो मोदी जी ने भी बोला था, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखिए। देखिए मैं किसी मोदी जी की इसकी, सब आपके चीफ मिनिस्टर भी होंगे, चाहे गहलोत साहब होंगे, चाहे खट्टर साहब होंगे, चाहे ममता जी होंगी, चाहे केजरीवाल जी भी होंगे, सब यही बता रहे हैं, बुजुर्गों का ध्यान रखिए, ठीक है, बुजुर्गों का ध्यान रखिए, तो उसमें सबसे पहले 65 ईयर ओल्ड आई विल नॉट रिकमेंड कि वो बाहर जाए, ठीक है, और अगर जाना जरूरी है, आदत ही है, घूमती है, तो मास्क सबसे बढ़िया चीज है, मास्क तो पहने, और किसी से मिले नहीं, बहुत नजदीक से, दूर को चले, बस यही कर सकते हैं, इफ पॉसिबल अवॉइड। हेलो, इंडिया में कब तक कोरोना का ये सर संक्रमण रहेगा, कब तक हम लोग इससे निजात पाएंगे? कुछ नहीं कह सकता, अगर आज ही आपने WHO की अगर आपने कॉन्फ्रेंस सुनी हो, WHO ने साफ साफ बोला है, रजनी मैडम पूछते हैं आप, रजनी मैडम जी, हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम बाहर जाते हैं, बाहर जाना ही पड़ता है कभी ना कभी, मतलब हफ्ते में वीक में एक बार, तो हम मास्क तो पहनते हैं पर बालों को कवर नहीं कर सकते हैं, कि कहते हैं कि बालों में वायरस काफी टाइम तक रहता है, तो बालों को कवर नहीं करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए घर आकर? मैडम ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं सोचता हूँ लेडीज के साथ तो खासतौर पर बड़ी प्रॉब्लम है, आप बाहर जा रहे हैं, आप क्या, क्योंकि अगर घर आके हम लोग नहा तो लेते हैं गर्म पानी से, गार्गल्स भी कर लेते हैं, पर बालों को डेली नहीं, मतलब
धो नहीं पाते हैं, तो बालों को भी धोना चाहिए या कैसे करना चाहिए? मैं बता रहा हूँ मैडम, सबसे पहले आए ना प्रिकॉशन पे ही आए। देखिए आप जा रहे हैं बाहर, तो आप अपनी चुन्नी को क्यों नहीं लपेटते? जैसे मुंह पे लपेटते हैं तो चुन्नी को क्यों नहीं लपेटते? उसको ऊपर रखिए ना चुन्नी को, ठीक है ना? यही सबसे बड़ा प्रिकॉशन है, दैट चुन्नी विल सर्व एज योर मास्क फॉर द हेयर। तो हम जब बाहर जा रहे हैं, थोड़ी है कि हमने पल्ला कर लिया या अगर हम पुराने हो गए, अब एक तरीके से हमने अपना मुंह भी कवर कर रखा है वो भी है। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि लेडीज को, आप अपने बाहर जाते हैं तो आप अपने उसके ऊपर पल्ला रखें। इट इज इजियर टू वॉश चुन्नी, चुन्नी को धोना ज्यादा आसान है और उसको धोना जो है वो बालों को धोना ज्यादा मुश्किल है, ठीक है जी। देखिए जैसे आपने देखा होगा, अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम है तो आप लोग जैसे लेडीज लोग हैं घर में, आपके पास ये शावर कैप होता ही होगा मेरे ख्याल से, शावर कैप आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप शावर कैप सर पे रख के जूड़ा बनाइए, शावर कैप रखिए ऊपर से अपने, ताकि आप दूसरे को ना पता चले आपने शावर कैप पहन रखी है, आप अपने ऊपर से चुन्नी रखिए, दैट विल गिव यू वंडरफुल प्रोटेक्शन मैडम, किसी को भी नहीं पता चलेगा आपने क्या किया है। एंड और शावर कैप तो क्या 2-4-5 रुपए की चीज है, आप उसे फेंक दीजिए, किसी भी केमिस्ट पे भी मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, यूज शावर कैप, आपको आपको बहुत अच्छा मिलेगा प्रोटेक्शन। और सर पे चुन्नी रखे करिए, चुन्नी को धो दीजिए और ये यस आपको अपने बाल जो है, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा आप अपने अगर हफ्ते पहले हफ्ते में एक या दो दिन करे तो थोड़ा और फिट रखिए। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो जी, हेलो जी, नमस्कार सर। हाँ सर, एक्चुअली मेरे ना हस्बैंड को डायबिटीज है और मैं एनजीओ में मैंने राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाके कम्युनिटी में, मास्क भी किए उनको, 1 मंथ से खांसी जुकाम बहुत ज्यादा है और एक उनको साइकोलॉजिकल ये हो गया है कि आप जा रहे हो कम्युनिटी में, राशन बांट रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, तो उसकी वजह से शायद मुझे इन्फेक्शन है। फिर मैं उनको काढ़ा दे रही हूँ तो ठीक रह रहे हैं, खांसी जुकाम में आराम है, स्टीम भी दे रही हूँ, लेकिन 3 दिन मैंने नहीं दिया, मैंने कहा देखती हूँ कि ना देने से क्या होता है, फिर दोबारा कंटिन्यू हो गया, तो क्या करना चाहिए सर? मैडम देखिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनके अगर 1 महीना चल गया है, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक सिंपल कोरोना टेस्ट करवा लीजिए, भले ही कुछ ना निकले। मैं बार बार एक चीज बताऊंगा, आप डाटा भी देखते होंगे, स्टेट में आपके चीफ मिनिस्टर्स भी बताते होंगे कि जी हमने 1 लाख टेस्ट कर लिए पर 1 लाख में से हमें मात्र 7,000 लोग पाए पॉजिटिव। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, आई डोंट नो, अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है, तो वो बोल सकते हैं। तो अगर आप देखिए, अगर 1 लाख टेस्ट किए उसमें 7,000 पॉजिटिव, 8,000 पॉजिटिव है, तो आप देखिए कि पॉजिटिव टेस्ट होने का दर भी इतना ज्यादा नहीं, रेट इतना ज्यादा नहीं है। सिर्फ मेरे लिए ये, एज कितनी है आपके हस्बैंड की? सर 48 इयर्स हैं। 48 इयर्स हैं। देखिए एक 62, हमें हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। अगर 60 प्लस डायबिटिक होंगे तो रिस्क डबल फोल्ड हो जाता है। डायबिटिक अपने आप में एक बड़ा रिस्क है, बट एज इज अ स्लाइटली बेटर फैक्टर इन हिज केस, स्लाइटली बेटर, बहुत अच्छी बात है, एज वाइज ही इज लिटिल बेटर, ठीक है ना? हाँ, पर एक्सपोजर हो रहा है, हमें चीजों को नापना है। एक डायबिटिक है, ही कम्स इन कॉन्टेक्ट विद अ पर्सन जो कि बार बार जा रहे हैं, मिल रहे हैं, आप यू आर डूइंग अ गुड जॉब, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को राशन बांट रहे हैं, सब कर रहे हैं, अच्छी बात है, और आप उनको काढ़ा दे रहे हैं, स्टीम दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। मैडम एक कोरोना टेस्ट जरूर करवाइए, बट मीट योर डियरेस्ट फैमिली डॉक्टर, ही विल गाइड यू। इन एनी केस डोंट पैनिक, हर डायबिटिक को कोरोना नहीं हो रहा है और हर खांसी कोरोना नहीं है और हर डायबिटिक खांसी कोरोना नहीं है, नॉर्मल भी हो जाती है। और टेस्ट करवाने में कोई किसी किस्म का खिलाफ नहीं, कोई कुछ नहीं, इससे आप बिल्कुल मत डरिए कि ये टेस्ट हमने करवाया, ये क्या है, ऐसा कुछ नहीं है जी सर। ठीक है मैडम, ओके सर, थैंक यू सो मच। टेस्ट जरूर करवा लीजिए, मैं नेगेटिव निकले दवाई लेंगे तो फिर अच्छा ही रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं, पैनिक नहीं सर, हो अच्छा। एक तो सर वो मास्क नहीं लगा रहे हैं घर में, और बेटी 5 इयर्स की बेटी है, वो छींकते हैं सारा दिन, तो एक वहम सा आता है कि क्या करना चाहिए, बच्चों को मास्क लगा के रखें? दिस इज अ रॉन्ग हैबिट, आप उन्हें समझाइए, समझाना बहुत जरूरी है कि देखिए अगर आपको खांसी है घर में है तो आपको मास्क पहनना है, आप उनसे दूसरों को रिस्क है, इसमें कोई दो राय नहीं, 5 साल का बच्चा उनको भी तो कोई रिस्क होने के चांसेस है, उन्हें समझाना पड़ेगा, उनको तो ये समझाना ही पड़ेगा, वो समझ जाए तो अच्छा है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सर इंडिया में सर कब तक ये कोरोना संक्रमण खत्म होगा सर?
भैया आज आपने WHO का सुना होगा, WHO वालों ने बोला है कि इसके अभी कोई चांसेस नहीं है खत्म होने के, अभी कुछ नहीं, आप ये भूल जाइए जून जुलाई अगस्त अभी तो चलेगा। WHO का आज ही कहा है वक्तव्य है उनका कि अभी ये चलेगा। साफ रहने की आदत डाल लो। सर ये फल सब्जियां जो लाते हैं उनको कैसे सैनिटाइज करें? देखिए फल सब्जी आप जो भी लेके आते हैं किसी से भी लेके आते हैं उनको बाल्टी में गर्म पानी रखेंगे और गर्म पानी आप जो भी लेके आते हैं ना, पहले आप कुछ भी लेके आए घर में आए एक दस्तान, देखिए जैसे मास्क होना जरूरी है ना उसी तरह दस्ताने होने भी बहुत जरूरी है, ठीक है। दस्ताने पहनिए, सब्जियां लीजिए, उनको ग्लव्स पहन के आप उसको गर्म पानी में उसको अच्छे से वो कर लीजिए, डिसइंफेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, उसमें चाहे तो हल्का सा थोड़ा सा अगर अपना जो नॉर्मल सोडा वगैरह होता है वो डाल लीजिए, वो भी चल जाता है। तो ये आप अपने इसके इस तरीके से डिसइंफेक्टेड कर सकते हैं। आप बाहर से कोई भी चीज लाते हैं सब्जी, क्या कोई आप सबको गए बाहर गए आप कोका कोला ले आए आप कुछ ले आए ये ले आए, आप उनको डिसइंफेक्ट जरूर कीजिए आप। और जब भी ऐसी चीजें आप जाते हैं कभी लेने, प्रेफरेबली ग्लव्स पहन के जाइए, खासतौर पर अगर आपका एरिया ऐसा है जो कि आसपास में जिसके कंटेनमेंट जोन है या हॉटस्पॉट्स है, आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा। मास्क इज वन थिंग, ग्लव्स इज अनदर। ग्लव्स भी आप पहनिए, उनको हैंडल करते वक्त उनको धो दीजिए अपने अच्छे से, उनको गर्म पानी में धो लीजिए और देन उसको आप इस्तेमाल कीजिए। ठीक है चलिए, अब कोई 5-10 में हम अभी एक घंटे से लगभग बात कर रहे हैं, कोई 2-3 सवाल और पूछ सकते हैं तो पूछ लीजिए, अगर आपके सवाल रहते हैं किसी के 2-3 सवाल पूछ लीजिए। सुनील बाबू पूछो, काफी देर से हाथ खड़ा ही है। आई थिंक आपने बहुत पेशेंटली सभी के क्वेश्चंस को एड्रेस किया और काफी अच्छे सवाल भी पूछे गए जो दूसरों के मन में थे, किसी और ने भी पूछ लिए और इससे जानकारी बढ़ गई। हमने इस सेशन को रिकॉर्ड भी किया है तो हम इन सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ भी शेयर करेंगे सर, और अगर किसी और का क्वेश्चन होता है तो मैं मेल पे आपको उनके क्वेश्चंस मैं भेज दूंगा। चलिए ठीक है, अगर आपने रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्डिंग मुझे भी दे दीजिएगा। जरूर भेजूंगा सर आपको भी रिकॉर्डिंग। आपका नाम क्या है? सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश बोल रहा हूँ। हाँ कल आप ही के तरफ से मेल आया था, थैंक यू सो मच सत्य प्रकाश जी। और आप जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है सबको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और एक ही चीज लास्ट में मैं बोलूंगा, आरोग्य सेतु और कुछ करे ना करे ठीक है।